18वीं लोकसभा सत्र के पहले सत्र की सुनवाई जारी है। इसी कड़ी में आज संसद की कार्यवाही के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया और वॉकआउट कर लिया, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों में सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। देश की जनता ने हर प्रकार से इनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ नहीं बचा। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कभी नीट परीक्षा तो कभी संसद में माइक बंद हो जाने को लेकर विपक्ष हंगामा करता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद आज विपक्ष ने पीएम मोदी के अभिभाषण के बीच हंगामा करते हुए संसद से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।